फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आई होप आप सब लोग मजे में होंगे, मस्ती में होंगे, बहुत सारी मस्ती कर रहे होंगे। फेस्टिव सीजन है, एक के बाद एक फेस्टिवल आता ही जा रहा है, तो आई एम श्योर आप लोग बहुत सारी शॉपिंग कर रहे होंगे, डेकोरेशंस कर रहे होंगे, क्लीनिंग कर रहे होंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है। और तो वेलकम बैक टू योर चैनल, और ये करवा चौथ व्लॉग है, जैसा कि आपने टाइटल से देख लिया होगा इसके। तो अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए, तो बस निकल पड़े हैं हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके। और देखिए, फॉल कलर्स थोड़े बहुत आ रहे हैं। न्यूजर्सी में बहुत अच्छे से फॉल कलर्स तो आते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा अभी गर्म वेदर ही है, और एकदम से ठंडा होगा, फ्रॉस्ट बाइट से एकदम से लीव्स गिर जाएंगे, तो फॉल कलर्स एज सच कुछ नहीं आए। और ये आ गई हूँ मैं स्वीट शॉप में, सुखाड़िया में। लास्ट ईयर भी मैंने करवा चौथ की मिठाई सुखाड़िया से ही ली थी, आपको मेरे को याद है, व्लॉग बनाया था मैंने, तो लेके गई थी। तो बस यहाँ पर सब कुछ मिलता है, सारी स्वीट्स मिलती हैं, जलेबी वगैरह, समोसे, सब कुछ मिलते हैं। तो हमने लड्डू लिए थे और जलेबी ली थी, जलेबी तो आज ही खाने के लिए थी, और लड्डू कल प्रसाद के लिए चढ़ाने के लिए। यहाँ पे गिफ्ट पैक्स भी बहुत सारे मिलते हैं, आप आराम से ले सकते हैं। और उसके बाद आ गए हैं हम लोग अपना बाज़ार। हम जब भी मैं एडिसन जाती हूँ, मैं समोसे ज़रूर खाती हूँ, अपना बाज़ार के मेरे फेवरेट हैं। तो बस समोसे ले आए, जलेबी ले आए, और मेरी फ्रेंड रहती है यहीं, मेरी नेबर है, तो उसको भी बुला लिया था। तो शाम को हम लोगों ने जलेबी, समोसे और चाय साथ में बैठ के इन्जॉय किए, और फिर मैं शाम को ज्वेलरी निकाल के रख ली। ये मैंने अमेज़ॉन यूएसए से मंगाए हैं ईयरिंग्स, अहेली की। अहेली की सारी ज्वेलरी अच्छी होती है। अगर आपको कभी यूएसए में अमेज़ॉन यूएसए से मंगवाना है ईयरिंग्स वगैरह या कुछ भी गले का सेट वगैरह, तो ये रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। ये $25 की थी। इसमें कुछ सस्ते, इसमें कुछ अलग डिज़ाइंस भी थे जो थोड़े कम प्राइस के थे, तो जो थोड़े सस्ते थे, पर ये अच्छी ज्वेलरी रहती है। आप अहेली की ज्वेलरी ज़रूर ट्राई करें अमेज़ॉन पर। और उसके बाद ये थोड़ा बहुत मेकअप का सामान भी मैंने निकाल के रख लिया है अपना। ये लिपस्टिक मेरी फेवरेट है, ये बॉबी ब्राउन की है, ये बहुत अच्छी लिपस्टिक है, बहुत लंबे टाइम तक रहती है। रवि ने मुझे गिफ्ट की है, और काफ़ी पहले गिफ्ट की थी मुझे, और इसका शेड इसी में लिखा होगा जो आपको मैंने दिखाया, मुझे पता नहीं है, पर ये बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक रहती है, ये निकलती नहीं है इतनी जल्दी। तो बस यही सब कुछ है। अपनी थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कल के लिए करके रख ली, सेफ्टी विन वगैरह भी, सब सारी चीज़ें एक जगह रख ली, सो दैट लास्ट मिनट में हैसल ना हो। मुझे लास्ट मिनट का हैसल बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये दो ड्रेसेस मैंने निकाल के रख ली हैं। ये रेड वाला ऑर्गेन्जा का लहंगा है, आजकल बहुत चल रहा है ऑर्गेन्जा सिल्क का, तो ये मैंने ऑनलाइन लिया है। और ये जो दूसरा वाला पर्पल वाला है, कि पर्पल और पिंक वाला, ये मेरा पहनने का पूरा प्लान है अभी तक। और वो पर्स जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, मैं किसी की शादी में रह गई थी तो उन्होंने रिटर्न गिफ्ट दिया था, तो मेरे पास वो झोला स्टाइल का पर्स है, तो वो अच्छा लगेगा। और यहाँ पर मैंने सारी शॉपिंग करके आके सारी मिठाई फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ रख दिए थे। पीच ले आई हूँ, बनाना ले आई हूँ, और एप्पल ले आई हूँ, और बस मिठाई, और शाम की आरती वगैरह कर दी है। और उसके बाद रात को ये रवि ने खिचड़ी बनाई, तो मैं खिचड़ी खा रही हूँ। मुझे एक्चुअली दूसरे काम करने थे सारे, तो रवि ने कहा चलो मैं डिनर बना लेता हूँ, और उसके बाद डिनर वगैरह करने के बाद किचन विचन क्लीन करके फाइनली मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ। नेल पेंट मैंने लगा ली है पैरों और हाथों दोनों में, और अब इस ये जो कोन है ना, इस बार का इतना अच्छा नहीं निकला, बहुत ही ज़्यादा इससे मेहंदी निकल रही है, बट स्टिल। और मैं इस स्पॉट में बैठ के मेहंदी लगाने वाली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ से बैठना। एक्चुअली दिन में ना यहाँ से बाहर बहुत अच्छा व्यू दिखता है, तो बड़ा मज़ा आता है। तो इसमें मेरी और रवि की हमेशा कंपटीशन होता रहता है कि कौन बैठेगा यहाँ पे जल्दी से, और ये छोटा सा है तो मैं इसमें ज़्यादा फिट आती हूँ, तो मैं ही बैठ जाती हूँ इसमें। और ये मैंने एक हाथ में मेहंदी लगा ली है, मैंने सूरज बनाया है, क्योंकि रवि का मतलब जो होता है वो सूरज होता है, तो ये आगे पीछे मैंने बस डिज़ाइन बना लिया है अपने हाथ में, और पैरों में भी ऐसे ही थोड़ा बहुत फूल वगैरह बना लिया है, थोड़ा अच्छा लग रहा है भरा भरा पैर, बाकी इतना अच्छे से तो मुझे लगाना आता नहीं है। और फिर रवि ने कहा चलिए मैं आपको लगाता हूँ, तो रवि एक हाथ में मुझे लगाने में लगे कितने इंटरेस्ट से, और ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन रवि बोल रहे हैं कि ये लगाएंगे। तो रवि ने शुरू तो की थी बड़ी मेहनत के साथ, उसके बाद रवि बोलती तो बहुत ही बोरिंग काम है, और उसके बाद बड़ा बड़ा डिज़ाइन बना के जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया। तो बस यही, रवि ने मेहंदी लगाई, और उसके बाद ये दोनों साइड दूसरी ये बटरफ्लाई बना दिए नीचे रवि ने, और दूसरे साइड ना मेरा और रवि का नाम भी लिखा है। देखिए रवि 11:40 हो रहे हैं, छोड़ दीजिए ना, मत बनाइए, अरे आ जाइए ना, छोड़िए ना, 10 मिनट में बन जाएगा, छोड़िए तो नहीं खाना ना, छोड़ दीजिए ना, अरे पूरी 10 मिनट में बन जाएगा, आटा भी तो गूंदना पड़ेगा ना, आटा भी नहीं है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता आटा गूंदने तब भी। और रवि माने नहीं, ये पूड़ियाँ बनाई थी रवि ने, और मैंने कहा दो पूड़ी खाऊंगी, तो रवि ने दो ही बड़ी बड़ी पूड़ी बना दी, और उसके साथ घर का अचार खाया, वो भी रवि ने ही बनाया है, घर का अचार आम का अचार है। एक्चुअली हमारे में कोई सरगी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, सरगी सिर्फ पंजाबियों में होती है। हमारे यहाँ मेरे नेटिव प्लेस में, मेरे होम टाउन में, मेरी नानी दादी वो लोग सरगी नहीं खाते हैं, बस सुबह उठ के पानी पी लिया और उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं, और फिर रात को व्रत चांद देख के ही खोलते हैं। मतलब ये क्या है, देखिए रवि की वाली इतनी चढ़ी है, ठीक है, इतनी ज्यादा चढ़ गई है, ठीक है, और जो मैंने लगाई थी सेम मेहंदी सेम कोन है, ऐसा नहीं है कि कोन भी चेंज किया हो, सेम है, और वो चढ़ी ही नहीं है, सी चढ़ी ही नहीं है ये।
मतलब ये कितनी हल्की है, कितनी ज़्यादा हल्की है, और ये वाली कितनी डार्क है, और ये सेम कौन से हैं। पैर वाली मैंने अभी धोई नहीं है, पर पैर में भी मैंने खुद ही लगाई थी, वो इतनी कम है, और मैं आई एम सरप्राइज। और सुबह की हम लोग पूजा करके, ये नॉर्मल पूजा होती है सुबह, तो कथा तो करवा चौथ में आफ्टरनून में इवनिंग में होती है, तो बस हम लोगों ने नॉर्मल पूजा करके सूरज भगवान को जल दे के दोनों रेडी होने में लगे हुए हैं, क्योंकि दिवाली पार्टी है उसमें जाना है। और ये रवि को मैंने टीवी पे नहीं लगा दिया, तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, रवि फ़ोन पर लगा के देख रहे हैं, रेडी नहीं होने में लेट कर रहे हैं। और मैं ये वाला परफ्यूम लगाती हूँ, ये अरमानी का परफ्यूम है, ये बहुत अच्छा है, ये मेरी दूसरी बॉटल है, बहुत अच्छा है। और बस ये मैंने अपना अपने गोल्ड के कड़े पहन लिए हैं, एंटीक में हैं ये गोल्ड के कड़े, और उसके साथ अपना चूड़ा पहन लिया है और रिंग वगैरह पहन के रेडी हो गई हूँ मैं। तो ये वाले जो लटकन थे ना, ये मेरे जो रेड वाला लहंगा है इसके साथ आए थे, और मुझे ये वाले लटकन बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बहुत ही कॉमन से बेसिक से लटकन है, मेरे को लटकन हमेशा अच्छे होने चाहिए लहंगे में, मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया रहता है। तो मेरे पर्पल वाले लहंगे पे ये लटकन लगे हुए थे, रवि ने उससे निकाल के रेड वाले लहंगे पे ये लटकन लगाए हैं, तो इतनी मेहनत सिर्फ रवि कर सकते हैं। और मुझे भाभी की भी बहुत याद आई, क्योंकि मुझे याद है इंडिया में एक बार ऐसे ही एक्सचेंज किए थे भाभी ने मेरे एक लहंगे से दूसरे लहंगे से लटकन। आई रियली मिस यू भाभी। और बस ये रहा मेरा फुल लुक। और ये पर्स मुझे बहुत ही क्यूट लगता है, ये पर्स मुझे रिटर्न गिफ्ट मिला था, ये न्यूजर्सी में किसी की शादी में गई थी वहाँ पे, तो ये बहुत ही क्यूट लगता है, सारी आउटफिट्स के साथ जाता है। तो ये रहा मेरा लहंगे का लुक नेचुरल लाइट में, कैसा लग रहा है आप सब लोगों को बताना, एकदम रेड रेड है। और उसके बाद बस यहाँ से हम लोग दीदी के घर गए, दीदी को पिक करेंगे, मेरी नीस को पिक करेंगे, और फिर हम लोग जाएंगे दिवाली पार्टी में। और ये रही गरिमा की आउटफिट, कितनी क्यूट लग रही है, मतलब ये इतनी अच्छी, इतनी अट्रैक्टिव कलर्स हैं इसकी आउटफिट में, बहुत ही प्यारी लग रही थी ये। और बस एट दस इतनी सिंपल आउटफिट है, येट वेरी एलिगेंट। और बस रास्ते में हम लोग निकल गए हैं, मैं और गरिमा बातें बातें करते हुए, और हॉल में जब वहाँ पहुँचे, दिवाली सेलिब्रेशन बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा था, थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग, ये कुछ कुछ परफॉर्मर्स आए हुए थे, बहुत सारी डांस परफॉर्मेंसेस हुई, सिंगिंग परफॉर्मेंसेस हुई, ये मैं सब आपके साथ कॉपीराइट्स की वजह से सुना नहीं सकती, पर बहुत मज़ा आ रहा था। और जहाँ पे भी इंडियंस गाने बजते हैं वहाँ पे तो हम लोगों के फीट अपने आप हम लोग डांस करने लग जाते हैं, मज़ा आ जाता है। तो यही सब परफॉर्मेंसेस है। और यहाँ पे ओमी वैद्य आए हुए थे, तो उनका सुना, आगे वो करते रहेंगे, हमें तो आश्चर्य होता है कि एक इंसान आपने जीवन काल में इतने चमत्कार किया है। यस, इट्स अ फैमिली इवेंट, लेट्स रिमेंबर, इट्स फैमिली इवेंट। और स्पॉन्सर्स, आपके पास वो चीज है जिसकी जरूरत है ना, ना धन 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 होता सभी के पास, सब छुपा के रखते, देता कोई नहीं, कोई ना, एक्सेप्ट द स्पॉन्सर। सो गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस, गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज गाइस। पार्टी के बाद सब लोगों ने खूब डांस किया, ओमी वैद्य जो कि थ्री इडियट्स में था वो आया हुआ था, तो बहुत ही मजा आया। मेरी पूजा वगैरह भी हो गई है, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ ऑब्वियसली मैं सुबह से, बिकॉज सुबह पहले उस दिवाली पार्टी में गई थी, और इतना ज़्यादा हील्स वगैरह पहन के जाओ, और फिर डांस वांस भी किया थोड़ा बहुत, और खाया पिया नहीं है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, पसीना आ रहा था, बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ मैं। बस अभी कथा वगैरह भी पढ़ ली है मैंने, और अब तो चांद निकलने का वेट रहेगा। और कैसी लग रही है मैं बताना आप लोगों को, मेरी पूरी ड्रेस कैसी लग रही है, और ये सब कैसा लग रहा है। ये ना मैंने अमेज़ॉन से ही लिए थे, और ये मेरे पास पहले से है इंडिया में, ये मैंने इंडिया में ही लिया था, इसका पूरा नेकलेस का सेट भी है, पर वो बहुत मैं इंडिया से लेकर नहीं है, मैं सिर्फ यही लेकर आई, मेरी आधी से ज़्यादा चीज़ें ना इंडिया में ही पड़ी हुई हैं, जो ड्रेसेस हैं बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, लहंगे लहंगे ही हैं मेरे पास, साड़ी तो आती नहीं है मुझे पहनना। आने के लिए अपनी ज्वेलरी वगैरह भी उतार दी है, थक गई एकदम, रवि बनाने में लगी हुई है, कढ़ी इतना अच्छा लग रहा है ना कि मतलब रवि बना रहे हैं, वैसे भूख लग रही है, तो इसलिए क्योंकि कैमरा साफ कर देती हूँ, क्योंकि थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, भूख तो लगी रही है यार, प्यास भी लग रही है।
और यहाँ बनाने में लगे हुए यमी यमी रवि कढ़ी। हमारे यहाँ ना शाम को व्रत वाले दिन कढ़ी ही बनती है, तो रवि कढ़ी बना रहे हैं। इसमें लास्ट में तड़का लगाएंगे और उसके बाद साथ साथ रवि ने बना लिया आलू की सब्जी और बना लिए हैं पुलाव, और बहुत ही टेस्टी खाना बना था। और अब कंट्रोल नहीं हो रहा था क्योंकि सुबह से भूखी थी मैं। और उसके बाद ये दीदी आ गई थी शाम को, तो दीदी पकौड़े बना के लेकर आ गई हैं। पकौड़े दीदी ने कैबेज के बनाए हैं क्योंकि प्याज तो आज खाते नहीं है, प्याज लहसुन, और उसके साथ साथ पूड़ियाँ बना के ले आई हैं। और ये वो कसूरी मेथी वाली पूड़ियाँ, तो बहुत ही टेस्टी खाना बना था दीदी और रवि ने, बहुत अच्छा बनाया था। और ना मैंने बहुत कम ही खाना खाया व्रत तोड़ने के बाद, क्योंकि ज़्यादा खाया नहीं जाता और एकदम से सुबह से क्योंकि भूखे हैं, लाइक सुबह रात को खाना खाया था बस, उसके बाद अर्ली मॉर्निंग सुबह से, तो जब से सो के उठी हूँ तब से भूखी हूँ, तो और एकदम से खाना खा रहा हूँ ना तो और ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग जाती है। तो मैंने थोड़ा ही खाना खाया भी नहीं गया, बस प्याज बहुत ज़्यादा लग रही थी तो पानी बहुत सारा पिया। और ये मेरा करवा चौथ का गिफ्ट आ गया है, तो ये ऑर्डर किया था हम लोगों ने, तो ये आ गया है। करवा चौथ वाले दिन तो नहीं आया एक्चुअली, दो तीन दिन बाद आया। तो आईपैड मिनी ऑर्डर किया था मैंने अपने करवा चौथ के गिफ्ट के लिए। आया, कोई भी चीज़ बाहर से आती है तो पहले सैनिटाइज करते हैं हम लोग, और उसके बाद इसे खोला। ये पर्पल कलर का है, बहुत अच्छा है। और ये आईपैड मिनी इसलिए ख़रीदा है बिकॉज़ इसका मॉडल नंबर तो मुझे पता नहीं है, बट हाँ ये पर्पल कलर का है और इसके साथ एक्सेसरीज आई हैं। ये बस चार्जर आया है और कुछ आया नहीं, और आजकल लीड वगैरह ईयरफोन वगैरह तो आईफोन के साथ भी नहीं देते हैं, तो वो सब नहीं है। तो ये देखिए, ये रहा नए फ़ोन आईपैड का जो लुक होता है वो अलग ही होता है ना। एक्चुअली आईपैड मिनी इसलिए लिया है बिकॉज मिनी थोड़ा हैंडी होता है, अगर आपको कुछ भी काम करना है, पढ़ाई वढ़ाई करनी है, तो काफ़ी ईजी रहता है। अगर ऐसे बड़ा लो तो फिर उससे अच्छा तो लैपटॉप ही खोल लो। ये देखिए दूसरा भी जो है मेरे पास वो आईपैड मिनी है, ये रवि का है, और ये नया वाला जो है वो मेरा हो गया। तो अब हम दोनों को पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, अपना अपना काम हम अपने अपने आईपैड पर कर सकते हैं। मैकबुक है, मैकबुक आई मीन अपना पर्सनल लैपटॉप है, ऑफिस के लैपटॉप से अलग अगर हमें कुछ काम करना हो तो। बट लैपटॉप अगर खोलना हो तो फिर मतलब टैबलेट अगर इतना बड़ा ले लो तो फिर तो आदमी लैपटॉप ही खोल ले। पर जो नया वाला है ये आईपैड आया है ना, इसकी स्क्रीन जो है दोनों बराबर है, बट उसका स्क्रीन साइज देखिए कम है और इसका स्क्रीन साइज ज्यादा है। जो भी है, आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।